हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेबिनास डेस्क। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी है इसे बनाना। अगर कुछ टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल मार्केट के जैसा ही बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो देखते हैं कैसे इसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून चीनी और नमक स्वादानुसार। तो चीनी को यहाँ पर मैंने पीस के डाला है। चीनी डालने से जो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो थोड़ा उसमें अच्छा ब्राउन कलर आता है। और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही जो है यहाँ पर यीस्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है। दही में मैंने थोड़ा पानी मिक्स करके उसे पतला कर दिया है। अगर आपको पानी की और ज़रूरत होती है तो आप यहाँ पर 1-2 टेबल स्पून पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अब हमें गूंथना है। जिस तरह से रोटी का आटा हम लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर दें। शुरू में ये थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गूंथते जाएंगे ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। याद रहे हमें इसका डो जो है वो थोड़ा इस तरह से चिपचिपा ही लगाना है। अगर आपका डो थोड़ा ड्राई होगा तो आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो बेक होने के साथ साथ ही उसमें से मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे ड्राई होने लग जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए जो डो है वो एकदम परफेक्ट अगर आप लगाते हैं तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल मार्केट के जैसा सॉफ्ट बनेगा। तो ये हमारा डो लग के तैयार हो गया है और इसे अब हम 1/2 घंटे के लिए लगभग छोड़ देते हैं रेस्ट होने के लिए। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही आपस में रिएक्ट करेंगे और आपके डो को थोड़ा सा फ्लफी और स्पॉन्जी करेंगे। तो इसे ढक के रख देते हैं। तो 1/2 घंटा हमारा हो चुका है। सबसे पहले तो हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आज गैस तंदूर के अंदर बना रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कढ़ाई में नमक रख के भी बना सकते हैं या OTG और कन्वेक्शन पे भी बना सकते हैं। सबके इंस्ट्रक्शन जो है वो स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिए हुए हैं। तो जब तक हमारा गैस तंदूर जो है वो प्रीहीट होता है तब तक हम यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस की तैयारी कर लेते हैं। तो डो हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है, एकदम फ्लफ़ी भी हो गया है। और अब हम इसे 2 लोई इसकी बना लेंगे। तो 1 लोई हमें छोटी बनानी है और 1 बड़ी बनानी है। यहाँ पर हमें पिज़्ज़ा की 2 बेस बना के तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम छोटा वाला बना लेते हैं। तो इसे हमें बेल करके तैयार कर लेती हूँ। तो बिल्कुल रोटी की तरह इसे पतला बेल लें। तो थोड़ा सा मैदा लगा दें और इसे बिल्कुल पतला बेल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल पतला बेल दिया है। और इसे सेकने से पहले हम इसके ऊपर कांटे से इस तरह से छेद कर देंगे ताकि ये जो हम इसे जब सेकें तो ये रोटी की तरह फूले नहीं। और अब हम इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने तवे को गर्म किया है, बहुत हल्का गर्म है तवा। जब भी आप इसे बेक करें ध्यान रखें कि तवा नॉनस्टिक लेने की कोशिश करें ताकि आपका जो पिज़्ज़ा बेस है वो एकदम से ब्राउन नहीं होगा। हमें इसे धीमी आंच पर हल्का हल्का आराम से सेकना है। जल्दी अगर आप इसे गैस तेज करके सेकेंगे तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, अंदर तक इसकी सिकाई नहीं होगी। तो ये देखिए धीरे धीरे इसके ऊपर इस तरह से बबल्स आने लगेंगे 2-3 मिनट में ही। तब हमें इसे पलटना है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा फूलने भी लगेगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। लेकिन ये रोटी के जैसे नहीं फूलेगा क्योंकि हमने इस पर इस तरह से छेद किए हुए हैं। और इसे ढक करके दूसरी तरफ से भी हम सिकने देते हैं। तो ये देखिए आपका जो पिज़्ज़ा की 1 बेस है वो बनके तैयार हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। और इसे अब हम निकाल देंगे। तो ये देखिए सिकने के बाद कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गया है बिल्कुल। और इसी तरह से हम दूसरी जो बेस है उसे बेल लेते हैं। तो जो बड़ी वाली लोई थी अब मैं उसे बेल रही हूँ और उसे भी बिल्कुल आपको पतला ही बेलना है। अगर आपने 1 बेस 8 इंच का बेला है तो दूसरा बेस आपको 10 इंच का बेलना है। तो 1 बड़ा रखना है और 1 छोटा रखना है। उसका क्या रीज़न है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। और इसको अब हम जिस प्लेट में आप पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं उसी प्लेट में इसे आपको रखना है। इसे अब हमें तवे पर नहीं सेकना है, ये डायरेक्ट जो है वो तंदूर के अंदर जा कर के इसे हमें सेकना है या ओवन में, कढ़ाई में, जिसमें भी आप अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसी में ये बेक होगा। तो ये अब मैंने पिज़्ज़ा प्लेट ली है, ये मेरी 8 इंच की पिज़्ज़ा प्लेट है और इस पर मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। और इस पर भी हम कांटे से इस तरह से छेद कर देंगे ताकि इसकी सिकाई अच्छे से हो सके। और बेक करने से पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल को मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ ताकि ये जब बेक होगा तो ये ड्राई नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा।
अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे मेल्टेड बटर को भी ब्रश कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे 3 से 4 टीस्पून जितना चीज़ स्प्रेड। तो इस तरह के इसका चीज़ स्प्रेड के डब्बे जो है वो मार्केट में आते हैं, अमूल गो कोई से भी ब्रांड का आप ला सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो ब्रिटानिया तो उसे लाइए और इस तरह से इस पर बीच में स्प्रेड कर दीजिए। चीज़ स्प्रेड लगाने के बाद हम इसके ऊपर ग्रेट करेंगे 1 प्रोसेस चीज़ का क्यूब। तो जितनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर चीज़ लगाएंगे उतना ही आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो चीज़ लगाने में बिल्कुल भी कमी ना रखिएगा, 1 या 2 क्यूब तो यहाँ पर इसके अंदर आप ज़रूर लगाएं और उसे अच्छे से फैला दें सब तरफ। तो ये देखिए मैंने चीज़ को अच्छे से इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिया है और अब इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा हमने पहले बेक किया था उसे इस पर लगा देंगे और इसे चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो एक पिज़्ज़ा बेस बड़ा इसलिए बनाया हमने ताकि हम इसे इस तरह से पैक करें तब ये खुले नहीं। अगर आप छोटी बेस बना देंगे तो क्या होगा, जब आप इसे बेक करने जाएंगे तो ये बेक होने के साथ साथ थोड़ा सा फूलेगा और ये जितनी भी सील्स की हुई एजेस हैं ये खुल जाएगी और जितना भी चीज़ हमने इसके अंदर फिल किया है वो पिघल के बाहर आ जाएगा। तो परफेक्ट चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक आपको पिज़्ज़ा बेस बड़ा बेलना है और एक पिज़्ज़ा बेस छोटा बेलना है और इसे पानी से अच्छे से इसे सिक्योर करिएगा और फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, आप मार्केट से ला करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में लगाइए। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे मोज़ेला चीज़। तो मोज़ेला चीज़ यहाँ पर मैंने ये जो पैकेट आपको साइड में दिख रहा है अमूल ब्रांड का, यहाँ पर मैंने मोज़ेला एंड चेडार चीज़ का जो पैकेट आता है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये डाइस्ड फॉर्म में आता है, ये कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पर मोज़ेला चीज़ यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैंने इस पे चीज़ लगाया है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर चीज़ लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका पिज़्ज़ा जो है वो खाने में भी लगेगा और उतना ही अच्छा उसका थ्रेडिंग इफ़ेक्ट भी आएगा। तो इसे अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लें और इसके बाद हमें इसके ऊपर जो वेजिटेबल्स की टॉपिंग करनी है वो कर लेते हैं। तो जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर टॉपिंग अपनी चॉइस की कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम, ऑनियंस और यहाँ पर ऑलिव्स मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर टॉपिंग कर दें। तो टॉपिंग हमने तैयार कर ली है और अब हम इसके ऊपर फिर से चीज़ लगा देते हैं। तो टोटल यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना चीज़ तो अभी तक इसमें यूज़ कर लिया है। तो चीज़ डालने में बिल्कुल भी कमी ना रखिए और अच्छे से चीज़ को सब तरफ से लगा दें इसके ऊपर और इसके बाद हमें इसे बेक करना है। तो बेक करने से पहले जितनी भी एजेस जो हैं साइड्स में दिख रही हैं उसे आप ऑलिव ऑयल से ब्रश कर लें ताकि वो अच्छा सा उसका ब्राउन कलर आए। और अब इसे हमें 20 से 25 मिनट तक इसी गैस तंदूर के अंदर बेक करना है। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में 200 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है और कढ़ाई में कर रहे हैं तो उसमें भी 20 से 25 मिनट लगते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बेक होके तैयार हो गया है, इसे हम निकाल देते हैं और आइए मैं इसका आपको नीचे का पोर्शन बताती हूँ। तो ये देखिए कितना परफेक्टली और इवनली एकदम से परफेक्ट ब्राउन हुआ है हमारा पिज़्ज़ा और इसके ऊपर अब हम सीजनिंग कर देंगे और फिर इसे आप कट करके गर्मा गर्म सर्व करिए। तो बहुत ही इजी है, देखा आपने कितना आसान है चीज़ बस पिज़्ज़ा को भी घर पे बनाना। बस कुछ टिप्स को आप अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट के जैसा पिज़्ज़ा जो है वो बनके तैयार होगा। और ये देखिए चीज़ का जो इफ़ेक्ट है कितना बढ़िया लग रहा है और अंदर से जो चीज़ निकलेगा वो तो गजब ही लगता है इसके अंदर। ये देखिए लग रहा है ना बहुत डिलीशियस। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।